जिस फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई है उसका विस्तार स्पोर्ट्स से भी बढ़कर के आगे जाने का है। फिटनेस एक शब्द नहीं है बल्कि स्वस्थ और समृद्ध जीवन की एक जरूरी शर्त है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चेस न्यूज और आपके साथ हूं मैं प्रतिभा ज्योति। पहला सुख निरोगी काया, ये बात तो आप जानते हैं, लेकिन एक बार फिर इसकी याद दिलाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की 114वीं जयंती है, जिसे नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर पीएम मोदी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की और देश को फिट रखने के लिए जगाने की कोशिश की। पीएम मोदी ने बताया कि फिटनेस के लिए फिट इंडिया मूवमेंट क्यों जरूरी है। पीएम ने तकनीक के भरोसे रहने वाले लोगों पर तंज कसते हुए कहा कि तकनीक ने हमारी ऐसी हालत कर दी है कि हम चलते कम हैं और गिनते ज्यादा हैं। तकनीक हमें गिनकर बताती है कि आज आप कितना स्टेप चले हैं। एक सामान्य व्यक्ति एक दिन में 8-10 किलोमीटर पैदल चल लेता था, कुछ एक आध घंटे भर साइकिल चला लेता था, कभी बस पकड़ने के लिए भागता था। यानी जीवन में शारीरिक गतिविधि सहज हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बदली, आधुनिक साधन आए और व्यक्ति का पैदल चलना कम हो गया, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। और अब स्थिति क्या है, टेक्नोलॉजी ने हमारी ये हालत कर दी है कि हम चलते कम है और वही टेक्नोलॉजी हमें गिन गिन के बताती है कि आज आप इतने स्टेप्स चले। केंद्र सरकार का नया एजेंडा बना है देशवासियों को फिट रखने का। फिट इंडिया कैंपेन पर सरकार को सलाह देने के लिए हाल में ही एक समिति बनाई गई थी। इस समिति में भारतीय ओलंपिक संघ, राष्ट्रीय खेल संघ, सरकारी अधिकारी, निजी निकाय के कई लोग और प्रसिद्ध फिटनेस हस्तियों को शामिल किया गया था। हम विस्तार से इस कैंपेन पर बात करें, उससे पहले ये जान लीजिए कि फिटनेस को लेकर भारत की तस्वीर क्या है। WHO और कई प्राइवेट संस्थानों ने समय समय पर भारतीयों के ऊपर उनके फिटनेस को लेकर कई सर्वे करवाए हैं, जिसमें भारतीयों की सेहत को लेकर चिंता करने वाली बात जाहिर हुई है। देश में गैर संक्रामक बीमारियां बढ़ने की दर 30-55% हो गई है। वहीं महिलाएं अपने सेहत को लेकर ज्यादा जागरूक नहीं दिखती हैं। फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स ऑफ इंडियंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सामान्य रूप से हर व्यक्ति को कम से कम 50% कैलोरीज को शारीरिक गतिविधियों के जरिए बर्न करना चाहिए, लेकिन इस मामले में देश की 53% महिलाएं निष्क्रिय रहती हैं, यानी वे इसके लिए कुछ भी नहीं करती। रोजाना 50% से कम कैलोरीज बर्न करने वाले के मामलों में पुरुषों का आंकड़ा 44% है। एक और रिपोर्ट बताती है कि 51% भारतीय महिलाओं में खून की कमी है। हर दूसरी महिला मोटापे की शिकार है। देश के युवाओं के फिटनेस ट्रेंड को समझने के लिए 2 साल पहले एक सर्वे कराया गया था, जिसमें कहा गया कि 70% लोग नियमित रूप से कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं और 62.5% कहते हैं कि वो क्या खाते पीते हैं इस पर ध्यान ही नहीं देते। आंकड़े बताते हैं कि कम उम्र में हार्ट अटैक वाले मामले दिनों दिन भारत में बढ़ते जा रहे हैं। भारत के लिए आंकड़े अपने आप में चौंकाने वाले हैं कि 40% हार्ट के मरीजों की उम्र 40 साल से कम है। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले सालों में सबसे ज्यादा मौतें हार्ट अटैक के कारण ही होगी। 2 लाख से अधिक ओपन हार्ट सर्जरी की जा रही है हर साल और इसमें सालाना 25% की वृद्धि हो रही है। केंद्र सरकार की एक और सर्वे रिपोर्ट बताती है कि भारत की 20% आबादी को डायबिटीज है और दिल की बीमारी है। मॉडर्न लाइफस्टाइल और तनाव से मिली खतरनाक बीमारी, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं, वो सभी उम्र के लोगों को अपना निशाना बना रही है। यहाँ तक कि बच्चे भी इससे अछूते नहीं हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले 16 सालों में डायबिटीज सबसे तेजी से बढ़ने वाली बीमारी बन गई है। बताया जा रहा है कि 7.2 करोड़ लोग इससे पीड़ित हैं और 2025 तक ये आंकड़ा शायद 13 करोड़ को पार कर जाए। फिटनेस हमारे जीवन के तौर तरीकों, हमारे रहन सहन का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन
ये भी सच है कि समय के साथ फिटनेस को लेकर हमारे समाज जीवन में, हमारी सोसाइटी में एक उदासीनता आ गई। अब हम आपको बताते हैं कि इस कैंपेन को, जो फिट इंडिया कैंपेन है, वो इसे किस तरह से चलाया जाएगा। फिट इंडिया कार्यक्रम के जरिए सरकार लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना चाहती है। इस कैंपेन को सफल बनाने के लिए खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कमान संभाल ली है। वे इस कैंपेन को सफल बनाने और उसे जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों और खेल मंत्रियों से बात कर रहे हैं। ये अभियान, ये कैंपेन अगले 4 साल तक चलने वाला है। हर साल के लिए अलग अलग थीम बनाई गई है। जैसे 2019-20 में फिजिकल फिटनेस के प्रति अभियान चलेगा, 2020-21 में खाने की आदतों के बारे में, 2021-22 में पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली रखने और लंबी आयु के लिए अभियान रहेगा। इसी तरह 2022-23 में अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी जीवन शैली और बीमारियों से दूर रहने के लिए कैंपेन चलाया जाएगा। ये जान लीजिए कि ये कैंपेन केवल भारत में रहने वाले लोगों के लिए नहीं है, बल्कि जो भारतीय विदेश में रहते हैं उनके लिए भी ये कैंपेन चल रहा है और उन्हें भी फिट रखने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस कैंपेन को सक्सेसफुल करने के लिए खेल मंत्रालय की तरफ से व्यापक जागरूकता अभियान चलेगा, जिसमें नामी खिलाड़ियों के अलावा अन्य क्षेत्रों से जुड़ी नामी हस्तियों को भी जोड़ा जाएगा। जागरूकता अभियान के लिए कई लेवल पर वॉलंटियर्स की टीमें बनाई जाएंगी। फिट इंडिया अभियान का मोबाइल ऐप लॉन्च करने के अलावा वेब पोर्टल और सोशल मीडिया का भी सहारा लेगी सरकार। व्यक्ति के जीवन की सफलताओं में भी फिटनेस उसका एक मानक होना चाहिए। अगर इन भावों को लेकर के हम चलते हैं, और राज्य सरकारें हो, मैं उनको भी कहूंगा कि फिट इंडिया मूवमेंट को ज्यादा से ज्यादा विस्तार देने, इसे देश के दूर दराज वाले क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए हर कोई आगे आए, अपने स्कूलों में, अपने कार्यालयों में, अपने राज्य के लोगों में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाकर, उनके लिए आवश्यक संसाधन जुटाकर, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेली अपना कुछ समय फिटनेस को देने के लिए प्रेरित करना होगा। स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज, यही नए भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने का रास्ता है। अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी को क्यों फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर मानना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्क शैली की मिसाल दी जाती है। शायद इसकी वजह उनकी बेहतर फिटनेस है। पीएम सुबह से काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तमाम व्यस्तताओं के बाद भी वे अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखते हैं और इसके लिए वो योगाभ्यास पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। शायद यही वजह है कि वे इतने फिट और एनर्जी से भरे दिखते हैं। 21 जून को यदि पूरी दुनिया इंटरनेशनल योगा डे मना रही है तो इसका श्रेय पीएम मोदी को ही जाता है। उनके प्रयास से ही योगा डे दुनिया भर में मनाया जाने लगा है। अगस्त 1942 में गांधी ने अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान शुरू किया था। आज फिर अगस्त है, यानी अगस्त का महीना है, और एक और मूवमेंट शुरू हो गया है, फिट इंडिया मूवमेंट, यानी बीमारियों भारत छोड़ो। गांधी का आंदोलन भी जनता के सहयोग से पूरा हुआ और मोदी के आंदोलन की कामयाबी के लिए भी इसे जनता का सहयोग चाहिए। इसलिए सवाल तो उठते हैं, क्या क्लीन इंडिया के बाद फिट इंडिया देश का नया एजेंडा बनेगा? क्या फिट इंडिया मूवमेंट बीमारियों से आजादी दिलाने का आंदोलन बनेगा? पीएम ने लोगों से इसे जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया है, तो क्या ये माने कि लोग इसे, पीएम की बात को, गंभीरता से लेंगे? क्या फिटनेस की बात करना फैशन स्टेटमेंट से अलग हटकर वाकई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल होगा? पीएम ने कहा, बड़े बड़े देश फिटनेस के लिए मूवमेंट चला रहे हैं। हमारे पड़ोसी देश चीन ने 2030 तक लोगों को फिट रखने का लक्ष्य रखा है। वहाँ इसके लिए टाइम टेबल भी बना है। जर्मनी में भी मोटापा से मुक्ति के लिए अभियान चलाया जा रहा है। तो क्या हम भी आज से फिट रहने का प्रण लेंगे? आइए, आप आज ये संकल्प लें, ये प्रतिज्ञा लें कि आप खुद भी फिट रहेंगे, अपने परिवार, मित्रों, पड़ोसियों और जिनको भी आप जानते हैं, उन सभी को फिट रहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मैं फिट,
तो इंडिया फिट। बहरहाल बॉडी फिट है तो माइंड फिट है, और इस फॉर्मूले पर हमें काम तो करना ही चाहिए, तभी हम और आप देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। लेकिन पहले फिट रहना जरूरी है। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।